करे और ये रेड निकले तो। अब मेरे पानी कैसी गंदी बातें यार, एक जगह होती है जहाँ बात करने की। और जो ये टनल थी ये है वो हॉन्टेड टनल, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या मतलब चलो मैं तो जाता हूँ। जो दूसरा छोर था ना जहाँ से निकालना चाहते थे एक्चुअल में, जो उनसे टनल उन्होंने अभी बताया कि बंद पड़ी है, वो वाली साइड इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि उसका छोर ही नहीं मिला। और वो वाली जो टनल है वो एक्चुअल में हॉन्टेड है और वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। यहाँ पर आवाज़ आ रही थी पानी की आवाज़। अब देखो ये बनाया हुआ इन्होंने बहुत ज़्यादा कि अगर 75 तुम गिरो ना 75 में ये हॉल, अगर ट्रेन आ जाए तो तुम इसके अंदर चले जाओ, ट्रेन का आने का टाइम भी हो रहा है। तो एक वो आवाज़ यहाँ से आ रही थी, वो बोतलें बड़ी। ओ भाई एक काम करता हूँ मैं, पहले इसको बंद करता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ, फिर तुम्हें आगे मिलता हूँ। ये जो टनल है ये बहुत लंबी है, इस टनल को ही ट्रेन को पार करने में ना कम से कम 2.5 से 3 मिनट लगते हैं। तुम नेट पर देख लेना, बडॉक टनल 33 को पार करने में 2.5 से 3 मिनट लगते हैं और हम इसको पैदल ही पार कर रहे हैं। और 2:30 बजे ट्रेन के आने का टाइम भी है। और यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है अंदर, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अरे है 75 बनाए हुए उन्होंने यहाँ पर कि अगर ट्रेन आती है ना तो तुमने साइड में खड़ जाना है। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के ये जगह बनाई है, और पानी भी गिर रहा है क्योंकि अरे पहाड़ है ना, पानी भी लीक हो रहा है यहाँ पर, कहीं ना कहीं मेरे सर पे भी गिरा कहीं से। तो इसको सब्सक्राइब करो भाई, इसको सब्सक्राइब कर लो भाई। रूपाली आगे चल तू, ये बंदा मार देगा सबको भाई। हमें काफी दूर तक जाना है भाई पैदल, और मेरे को नहीं लग रहा इतनी लंबी मैं वीडियो डाल भी पाऊंगा। 1 मिलियन होनी चाहिए। तेरे को पता है जो मैंने थंबनेल के लिए फोटो खींची है ना, वो इतनी नकली लग रही है कि सबको लगेगा कि हॉन्टेड हाउस गया हूँ किसी, जो होते नहीं है सिटीज में भाई। ये जो बीच बीच में पानी की आवाज आ रही है ना, ये डरा रही है, ये डरा रही है। मेरे सर पे मत्थे पे हर जगह पानी पानी हो गया। तू ऐसे करे और ये रेड निकले तो। अब मेरे पानी कैसी गंदी बातें यार, एक जगह होती है जहाँ बात करने की, ये कोई जगह थोड़ी है ऐसी बात करने की। और रूपाली टाइम पे भी नजर मारती रहे, 2 बजे आना है ट्रेन ने, 15 मिनट रह गए, जल्दी चल। ये व्लॉग होने वाला है मेरा 20-25-30 मिनट का, कोई नहीं सह लेंगे, थोड़ा मैं क्या कह रहा हूँ रूपाली, रनिंग करते हुए चलते हैं, जल्दी निकल जाएंगे, ले आना थोड़ा थोड़ा। अरे यहाँ पर उबड़ खाबड़ है, तू देख के चल पहले, यहाँ पर ट्रैक पे चल रहे हैं, देखो कैसे उबड़ खाबड़ है। फाइनली हम टनल से बाहर आ गए, और भाई टनल पार करने में इतना ज्यादा डर लगा है ना, वो रही वो टनल फालतू की बातें। ओ भाई यहाँ पर आगे कितना अच्छा लग रहा है, तो मैंने व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, रुको ये देखो क्या जबरदस्त व्यू है। मैं बोल रही थी वो बंदा असली था जो बोल रहा था कि ये अलग ही मेरी वो बजा रही है। तो भाई अब असली टास्क तभी क्या है कि इसी टनल से वापस जाना, और भगवान कसम खा के कह रहा हूँ मैं ये नहीं बोल सकता था बीच में कि कितना डर लगा, पर सच में बहुत डर लगा। और बीच बीच में ना पानी चू रहा था सर के ऊपर, मतलब ऊपर से, पर अब मैंने ये सोचा भाई ऊपर कहीं सड़क है, ऊपर कहीं डायरेक्ट चले जाएंगे बीच से, यहाँ मैं दोबारा नहीं जा सकता इस टनल में, तब जाऊँगा जब बहुत सारे लोग जा रहे होंगे, अकेला अब मेरी हिम्मत नहीं है। अरे यहाँ तो काफ़ी सारे लोग हैं। अच्छा ये तो स्टेशन वगैरह भी है ना, चल रहा होगा, पर यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा, उस बंदे ने बोला कि वो नहीं था, पर इंटरनेट में ऐसे क्यों, पर अब उसने जो कहानी बताई कि वो मिला ही नहीं बोला कभी हिस्सा इससे। पानी की वजह से मैं तुम्हें व्यू दिखाता हूँ, ये वाला स्टेशन दिखाता हूँ कितना मस्त है। वो फोटो खींच रहे हैं, वो जा नहीं रहे, कह रही वो देखो लोग जा रहे हैं अंदर, वो सिर्फ फोटो खींच रहे हैं। ये देखो ऐसे पहाड़ के ऊपर बीच में टनल है, क्या जबरदस्त है। ये देखो स्टेशन देखो पूरा लकड़ का बनाया हुआ है, वो देखो उस साइड पानी आ रहा है कहीं से, पता नहीं कहाँ से आवाज़ तो आ रही है और यहाँ से निकल रहा है। ये देखो पूरा पूरा टनल, और ये वो आगे निकल जाएगा। अब रूपाली सारी की सारी बात वो है कि वो जो उसने कहा कि आगे टनल है वो कहाँ है, वो आगे पहले कुछ उधर बैठते दूर खाते हैं, वो छोले भटूरे वाला है वो खाते हैं। भैया एक चीज पूछनी थी, जो ये टनल है बडॉक टनल, ये कहते हैं ना कि एक हॉन्टेड टनल भी है, भूतिया टनल, वो ऊपर है, वो बंद है। अच्छा तो ये यहाँ से रास्ता जाता है वो ऊपर है, डेढ़ किलोमीटर है। ओके थैंक यू भैया। खैर अभी हमने जिनसे पूछा उन्होंने बताया कि जो ये जा रहा है ना रास्ता ऊपर, यहाँ से ऊपर है वो बडॉक टनल, जो एक्चुअल में बंद है, वो ब्रिटिश टाइम से कभी कम्प्लीट ही नहीं हुई। अब समझ नहीं आ रहा भाई कौन
क्या कह रहे हैं, नेट पे कुछ है यहाँ कुछ है। सीधी सी बात है, ये यहाँ पे थोड़ी से लाएंगे कि वो हॉरर है, क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है। हाँ, और फिर ये भी होगा कि मतलब ऐसा डाल दो तो वो डरेंगे लोग आने के लिए। अब ऊपर चलते हैं वहाँ से देखकर, फिर वहीं से सड़क से उस साइड को निकल जाएंगे। उधर पीछे जा रहे हैं, वो टनल बहुत लंबी है और डर भी लग रहा है, तो अब सीधे ऊपर चलते हैं। ठंड भी बहुत लग रही है वहाँ। अभी हमने काफी कुछ पता करा, जिस रास्ते हम गए थे ना पहले वो रास्ता गलत था, वहाँ से हम ऊपर से नीचे आए। और अब तुम्हें वो दिख रहा होगा, देखो वो बोर्ड दिख रहा है, उस पर लिखा हुआ है पुरानी बड़ौक टनल इस साइड को है, तो इधर है वो पुरानी बड़ौक टनल जो बंद हो गई थी। तुम्हें पता नहीं पढ़ में आ रहेगा कि नहीं वहाँ पर लड़कियाँ, इसलिए मैं जा नहीं रहा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। रुको, ये देखो तुम्हें पढ़ में आ रहेगा, पुरानी बड़ौक सुरंग के लिए रास्ता। अब मैं कन्फ्यूज इसलिए हूँ कि यहाँ जाना है वो रास्ते ने या यहाँ को जाना है ऊपर को रास्ते ने, वो पूछना पड़ेगा। और वो टनल है, इन्होंने अभी ऐसा भी बताया कि वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ वगैरह होगी क्योंकि वो बंद पड़ी है, तो तुम्हें ऊपर से रास्ते से दिख जाएगी, तुम ध्यान से देखोगे तो कोशिश करेंगे, नहीं तो भाई फिर देखते हैं। बहुत कोशिश कर ली, अब तक तो दिखी नहीं, ऐसे हम ही भूत बन जाएंगे। सही बात है, फिर उसके बाद घर भी जाना है। यहाँ पर एक बोर्ड मिला है, पुरानी बड़ौक सुरंग उत्तरी किनारा, दूरी 1.6 किलोमीटर। तो 1.6 किलोमीटर की तरफ को ही हमारी सड़क भी वहाँ से नीचे की तरफ को दिखेगी। ये बंद है तो इसलिए वहाँ कोई जाता नहीं है, झाड़ियाँ वगैरह उग रखी हैं, ऐसा बंदे ने बताया। ये देखो कीवी, देखो कितनी तादाद में कीवी लगे हुए हैं, कीवी हैं कीवी। यहाँ पर ना हमारे को दो रास्ते आगे, एक नीचे को एक ऊपर को, तो इनसे पूछ लेते हैं। तो अभी वो टनल दिखेगी नहीं आपको, पता नहीं चलेगा ना रास्ता। अच्छा रास्ता नहीं पता लगेगा। अच्छा मेन सड़क और टनल का रास्ता अलग अलग है, जो मेन सड़क है यहाँ पे जो रास्ता है ना ऊपर का, वो रास्ता से जाना पड़ेगा आपको सीधा। हाँ जी, उसके बाद फिर इधर से इधर साइड घूमना पड़ेगा। अच्छा छोटा सा रास्ता है, ठीक है ना, बोर्ड बार कुछ नहीं लगा ना। अच्छा बोर्ड नहीं लगा, छोटा सा रास्ता है। हाँ रास्ता है, ठीक है ठीक है। जंगल में आगे चल चल के बैंड बज गई, ना रास्ता मिल रहा ना कुछ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो रास्ता, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, एक रास्ता देखो यहाँ नीचे जा रहा है। लोगों को पता ही नहीं लग रहा, कोई कह रहा है कहीं, कोई कह रहा है कहीं, अब यहाँ नीचे वाले भी जा रहे हैं। बैठ के उतरेंगे हम तो। आज ना सही मायने में ट्रैकिंग होगी हमारी, इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग होगी ना, देखना उसके कंडा चुप गया। अब हमें ना यहाँ पर आ गए, हम यहाँ पर ना पानी वाले लेवल के यहाँ पर आ गए। मैं तुम्हें ना पानी भी दिखाता हूँ, और एक बंदे ने कहा कि वो टनल यहीं पर है। रुको ये देखो, यहाँ से भी पानी आ रहा है कहीं से, ये देखो यहाँ से पानी जा रहा है। रूपाली आराम से चल, रूपाली रूपाली मछलियाँ पकड़ने ना बैठ जियो, देख के रास्ता ही कहीं पता नहीं लग रहा। चल भाई, उन्होंने कहा था कि यहाँ से ना कहीं से वो टनल दिखेगी। रुको मैं ना तुम्हें दिखाता हूँ कि वो, देखो कुछ दिख रहा है तुम्हें? रुको दिख नहीं रहा यार तुम्हें ऐसे में, देखो वो जो दिख रहा है वो टनल टाइप में, वहाँ झाड़ियों से ना कुछ दिखना बंद हो गया। अब वो उसके बगल में देखो, वो जो है ना उसके इस साइड है, इस साइड को है वो टनल जो बंद हो गई थी। और ये देखो यहाँ से पानी आता है। अब चलते हैं भाई, आज की जर्नी ना आज तक की सबसे लंबी जर्नी होगी, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग जो इस टनल से सबसे पहले हम आए थे ना, वही टनल असली टनल थी। मैं तुझे बोलना था, वहां जाके पता लगा कि भाई उस टनल को असली टनल नहीं मान रहे, टनल ये है। हाँ, जो ये वो वहां दिखी है भाई। ये हाँ तो खून ही जाएगा। और बाली देखो वो दिख रहा है ना ऊपर, देखो कुछ यहाँ से दिख रहा है। यार मैं बैक कैमरा ऑन करता हूँ, ये देखो जो वो देखो ये लाइन सी दिख रही है, ये यहाँ से यहाँ पिछली साइड को है टनल, वो भी देखो पूरा पत्थर का बना हुआ है। तो ये है वो जगह पूरी, देखो झाड़ियाँ झाड़ियाँ, जंगल ही जंगल और क्या चारों पास से, ऐसी जगह कोई कैसी आएगा। पूरा नीचे मैंने तुम्हें पानी पानी दिखाया ही है, ये देखो जंगल ही जंगल। मुझे ना अभी भी एक बात समझ नहीं आई, अगर हम इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं तो वो वही टनल दिखा रहा है, सबने उस टनल को धुतकार दिया। भूत थोड़ी जीपीएस उसमें डाल लेगा, जीपीएस। अबे नहीं, मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, अगर सब यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो टनल ठीक है और जो ये टनल थी ये है वो हॉन्टेड टनल, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इंटरनेट पर तो हर कोई लिख ही देता है, बता ही देता है, तुम्हें मिल ही जाता है कि वो टनल नहीं है, कोई ना कोई तो बता ही देता है कि आगे है वो। अभी यहाँ के लोग गए तेल लेने, इतनी वीडियोस मिल जाएंगी ना तेरे को बड़ौक टनल की, यहाँ के क्यों बोलेंगे कि ये भूत है। अभी मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ यार, मैं YouTube वीडियो की बात कर रहा हूँ, जो बाहर से लोग आते हैं एक्सप्लोर करते हैं, वो तो यहाँ पर आके बताते हैं कि ये नहीं है वो टनल, आगे वो टनल, उन्होंने भी नहीं बताया। तो मुझे तो अभी भी शक है ये वो टनल है यार, कि जो वही टनल है, अब भगवान जाने कौन सी टनल है। बट एक बार बस गाड़ी के पास पहुँचूँ, वहाँ तो चाहिए, पता नहीं कहाँ ऊपर पहाड़ पर जाना है। अब हालात ऐसे हो गए, गाड़ी पहाड़ के उस साइड है,
और हम पहाड़ के इस साइड है, तो अब कुछ भी नहीं मिला वहाँ तक पैदल जाने के लिए, थोड़ा सा डर लग रहा है उस टनल के वहाँ से, तो सोचा कि यहाँ ऊपर सड़क से बस लेके उस साइड जाते, गाड़ी वहाँ से पकड़ेगी, तो अभी मैं बस में बैठा हुआ। जो लाइफ में कभी नहीं करा वो सब करना पड़ रहा है भाई, देख लो बस में बैठे हुए, ये देखो दिख ही रहेगा पीछे सब कुछ। अब बस यहाँ से मतलब 15 मिनट का रास्ता है जहाँ पर गाड़ी है, वहाँ पर पहुँच कर सीधे फिर गाड़ी के साथ। थैंक यू भैया, ओके थैंक यू सर। फाइनली पहुंच गए, अभी इन्होंने हमें यहाँ पर जहाँ पर उतारा है ना, देखो वो बस चलेगी, देखो वो बस चलेगी, और अब हमें ना यहाँ से नीचे जाना है। उन्होंने कहा क्योंकि जो नीचे दिख रहा है ना ये बहुत नीचे सड़क जा रही है काफी, ये ट्रैक नीचे करके वहाँ जाना है, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा हम उस सड़क से जहाँ पर हमारी गाड़ी थी हम तो वहाँ से भी नीचे गए थे जंगल में, और हम आए यहाँ कहीं ऊपर, और यहाँ से अब और नीचे जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास पहुँचने के लिए। समझ नहीं आया यार हुआ क्या, कहाँ से पहुँचे, कहाँ गए, कहाँ निकले, पहाड़ों में घूमोगे भाई। वो तो अच्छा हुआ वहाँ मैंने पार्किंग में गाड़ी खड़ाई हुई है, बस बूस लेकर भाई इतनी तबीयत भी खराब होती बस में, पर फिर भी ठीक है, ये ट्रिप तो हमेशा याद रहेगा वाली। चलोगे मैं तो मैं जाता हूँ एक बार इस सड़क पे ना, हमें 1.5 किलोमीटर आगे जाना है, वहाँ गाड़ी खड़ी है। अब मुझे ना जो एक बात खा रही है ना वो ये बात खा रही है, हम वहाँ से सड़क पे यहाँ नीचे हो गए खाई और बारी वहाँ से ऐसे करके दिखा, जो दिख रहा है ना वो जंगल, हम इस सड़क को टप के वहाँ गए, अब गए हम 1.5 किलोमीटर के बाद के वहाँ नीचे, और अब यहाँ पीछे गए 1.5 किलोमीटर वो पहाड़ से नीचे उतर के यहाँ से आया, यहाँ ऊपर से उतरे कहीं से और आप जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, ऐसे कैसे सोचते हैं कि नीचे गए थे और आप 1.5 किलोमीटर इधर ऊपर से रहे, खज्जल हो गया। अभी तक भी गाड़ी तक नहीं पहुंचे, 1.5 किलोमीटर अभी दूर गाड़ी है, दम निकल गया। ट्रैकिंग नाम को ना आज मैं भूल जाना चाहता हूँ। वो कुंभकर्ण नहीं था, वो 6 महीने में एक बार खाता था, तू वो जो 6 महीने बाद एक बार चलते है, शिमला कट गए हम हो गए 6 महीने, हाँ नहीं 4 महीने हो गए होंगे, 3-4 महीने 3-4 महीने हो गए होंगे। कोई शक्ल भाई बैठने के लिए एक जगह मिली है, मैंने तो टिका लिया अपना पिछवाड़ा, अभी थोड़ा दूर अभी भी पड़ा है, एक बार पहुंच जू गाड़ी पे सीधा चंडीगढ़ मिलूंगा। ये मोमोस नहीं खाएंगे, घर चल रहे टिक्के मोमोस खाने, इसको यहाँ जान हथेली पर आ गई। ये आजकल की जवान पीढ़ी, हम पहुंच गए अपनी गाड़ी के पास। आप ना तुम्हें एक चीज ऑब्जर्व करना, मैं ना इधर से आ रहा हूँ ठीक है, और ना वो मेरी गाड़ी खड़ी है, तुम्हें याद होगा कि जब हमने व्लॉग शुरू करा था ना तो गाड़ी वो रही ठीक है, वोरी बलिनो, और उधर गए थे हम, वो उधर जाने के बाद जो घर थे ना उनके वहाँ से हम नीचे उतरे थे वहाँ जंगल को, और आते वक्त पता नहीं यहाँ पीछे 1.5-2 किलोमीटर वो ऊपर से कहीं पहाड़ से निकल के सड़क पर आके अब यहाँ पहुँचे हैं, कम से कम 14 किलोमीटर दूर। अब मुझे इस चीज़ की खुशी है कि चलो फाइनली हम पहुँच गए, मौसम देखो कितना अच्छा, और क्या अब कहीं पर रुक कर खाना खाएंगे, गाड़ी मिल गई, सबसे पहले तो जूते उतार के चप्पल पहनूंगा, रेस्ट करूँगा 15-20 मिनट फिर घर चलेंगे। यार आज का व्लॉग पहले ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड करें, खाना खा के देखिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को शेयर जरूर करना।